नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका मेकओवर्स में। एक्चुअली मैं जो बात करने जा रही हूँ आपसे वो है मेकअप को रिमूव कैसे करना है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में बताया हुआ है कि मेकअप रिमूव करने के लिए क्लींजिंग टोनर कैसे आपको यूज करना है, फेस वॉश से कैसे क्लीन कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ गाइस, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में उसको, उस तरीके को अपना के आप मॉर्निंग में अपनी स्किन को इतना सॉफ्ट एंड सफल पाएंगे कि आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत साफ बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, जमा बना सकते हैं। तो आइए गाइस जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट देखिए आप, मैंने जो मेकअप किया हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर इसको आप देखना चाहें तो। लास्ट वीडियो जो, इसके पहले जो मेरा वीडियो गया हुआ है उसमें मैंने इस मेकअप को लो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इवनिंग मेकअप है, लाइट है एकदम से। अब इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बादाम रोगन, पतंजलि का बादाम रोगन है। मैं यहाँ पे कोई क्लींजिंग मिल्क यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई टोनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बादाम रोगन यूज कर रही हूँ। इससे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है और स्किन हमारी एकदम से चमकदार बन जाती है। देखिए एक दो ड्रॉप ही लेने हैं हमें इसके। इवन मस्कारा वगैरह आंखों का जो मेकअप होता है एकदम से क्लीन हो जाता है और स्किन में कोई रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कॉटन या वाइट जो भी आपको मिले उससे लेके एकदम से इसको क्लीन कर लीजिए। ये देखिए गाइस एकदम से क्लीन हो गया है, इवन मस्कारा भी इससे हट जाता है एकदम से। अब इसके बाद में अगर आप चाहें तो फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे बैठ के इसको कंप्लीट करूँगी, उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर आप जा सकें बाथरूम तक तो आप फेस वॉश ही करके आएँ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं फेस वॉश, तो अब हमें क्या करना है, पूरा एकदम से फेस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता है और स्किन को हमारी बहुत चमकदार बनाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का गुलाब जल, किसी भी ब्रांड का, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उस ब्रांड को लीजिए। और अगर इसको आप स्प्रे बॉटल में भर लें तो इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। मैं सिर्फ इसको कॉटन में ले लूँगी और इसको इस तरह से, थोड़ा बहुत जो होगा भी हमारे स्किन में वो ये एकदम से निकाल देगा और हमारी स्किन के लिए जो पोर्स वगैरह होते हैं एक तरह से ये टोनर का ही काम करता है गुलाब जल, ठीक है। तो ऑयल था, ऑयल थोड़ा बहुत फेस पे ना रहे हमारे, उसको हम निकालने के लिए इसको यूज करेंगे और ये हमारी स्किन से जो भी मेकअप थोड़ा बहुत था वो निकाल देगा और हमारे रोम छिद्र जो है ना उनको क्लोज कर दे, बंद कर देता है, मतलब मिनिमाइज कर देता है, बहुत अच्छे से स्किन को डीपली क्लीन करता है ये। वाओ, फ्रेशनेस आ जाती है स्किन में इसको लगाते हैं। और ये आप नाइट मेकअप रूटीन की तरह भी इसको फॉलो कर सकते हैं,
तो इसका आपको बहुत अच्छा, जैसे इस टाइम जो होता है ना, इस सीजन में स्किन बहुत हमारी फटी फटी सी हो जाती है, पपड़ी निकलती है, तो इसको यूज करने से वो सारी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं जो प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ वो है विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, इसको मुझे यूज कैसे करना है, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते ड्राई स्किन वाले, ठीक है, बट ऑयली स्किन वाले इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। उसको मैं जो दूसरा प्रोडक्ट लाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने आपको कई वीडियो में अपने बताया हुआ है मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं इसके साथ में एलोवेरा जेल का यूज करूँगी। कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कैप्सूल लिया, ठीक है, इसको कट कर लिया हुआ, इसको अभी हम साइड से रख देंगे। ये लिया हमने एलोवेरा जेल, आपके पास जो भी ब्रांड हो तो वो यूज करें, मुझे ये पसंद है तो मैं यूज कर यही करती हूँ। ठीक है, क्वांटिटी अच्छी सी। अब इसमें ऑयली स्किन वालों को सिर्फ एक दो ड्रॉप ही इसके विटामिन ई, आप देख रहे हैं, देखिए बस। और ड्राई स्किन वाले मैं अपने कभी बताएं, अगर आप जानना चाहें कैसे यूज करें तो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मिला लीजिए, अपनी हथेली पे ही मिला लीजिए, इसको फेंट लीजिए। अब बन गया ये हमारा नाइट क्रीम। हल्की सी मसाज के साथ में हम इसको स्किन में एब्जॉर्ब करा देंगे। सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से आराम से मसाज करिएगा। बस अब इसको हम स्किन पे ऐसे ही छोड़ देंगे मॉर्निंग तक। मॉर्निंग में हमें क्या करना है, अगर ये जानना है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये यहाँ तक हमारा नाइट रूटीन कंप्लीट होता है, इसको हम छोड़ देंगे गाइस, हमारी स्किन एकदम से चमकदार बन जाएगी। मतलब मॉर्निंग में हमें लगेगा ही नहीं कि ये हमारी स्किन, मतलब बहुत फ्रेश वाली जो फीलिंग आती है ना वो आपको आएगी गाइस। तो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे वीडियो मेरे देख सकें। और जो भी बात आपको मुझसे करनी है, मेरे बारे में कुछ भी जानना है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। या कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो वो भी आपको दे सकते हैं मुझे। आंखों पे लिप बाम यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने उसी का मसाज यहाँ पे किया हुआ है साथ में, ठीक है, आज मैं नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।